दोस्तों कैसे हैं आप सभी। देखिए अंडे तो आप लोगों ने बहुत ठूसे होंगे, तरह तरह के टाइप्स के अंडे ठूसे, अंडा भुर्जी, ठीक है। तो लेकिन आज हम लोग ना एक अलग तरीके के अंडा कड़ी बनाने वाले, जिसे राइस के साथ तो आप ठूस ही सकते हैं लेकिन रोटी वगैरह के साथ, नान वगैरह के साथ भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से वीडियो को लाइक कर देना होगा और शेयर कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 3 प्याज को ना ऐसे मोटे मोटे फाड़ देने हैं, ठीक है। उसको आपको मिक्सर जार में डाल देना, 10 काजू गिन रहे हो, 6 ही है ना 6 डाल देना साथ में। लगभग 1 गट्ठा लहसुन का, क्वांटिटी में 20 लहसुन होंगे छोटे छोटे, और 1 इंच अदरक डाल देना है आपको, ठीक है। हरी मिर्चें ज़्यादा लगेंगी, लगभग 10 गिन के कितने हुए, 8 है, ठीक है, 10 डाल देना, ठीक है। काली मिर्च 1/4 चम्मच आपको डालनी है, इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालने वाले हैं इसलिए हरी मिर्च ज़्यादा ली है, तो अभी से पकलेटी मत शुरू कर देना, पीस लेना इसको, ठीक है। ऑयल लेंगे, ऑयल कितना लेना है, 50 ml ऑयल ले लीजिएगा, 50 ग्राम के जितना ऑयल। अब देखिए 1/4 चम्मच काली मिर्च है, 10 लौंग है, 1 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा और 2 से 3 छोटी इलायची, ठीक है। ये डालने के बाद आपको इसमें जो वो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें पूरी तरह से उड़ेल देना है। अब खास बात, ये डालने के बाद आपको इसको पकाते रहना है, पकाते रहना है, घाई बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि प्याज कच्चा है, पकाना जरूरी है। तो जब तक ये पकेगा, मतलब ये हमारे जब तक मसाले कहाँ हैं, ये मतलब जो हमने बनाया है वो पक रहा है, तब तक हमारे अंडे को हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसे पकने दीजिए, ठीक है। अब एक कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच ऑयल लिया है, ये 10 अंडे हैं और जिनको मैंने चीरा मार के फाड़ चीर दिया, एकदम कंगाल कर दिया, फकलोंद्र कर दिया एकदम, ठीक है। उसको हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको हल्का सा मतलब उछाल उछाल के ऐसा कलर आ जाए उतना, अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो वैसे कर लीजिएगा, अगर नहीं भी फ्राई करना है तो ऐसे भी अंडवा डाल सकते हैं भाई, अंडवा डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि कलर आ जाए। अंडवा हो चुका है और इसे लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसको 8 से 10 मिनट, ठीक है, पकाते रहना पकाते रहना। अब 8 से 10 मिनट के बाद इसमें आपको ऐड करना है ये हमारे पाउडर के मसाले जो हैं, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच हम डालते हैं, और इसमें अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से आपको मसालों को 2 से 3 मिनट पकाना है क्योंकि हमने पहले ही अब सारी चीज़ें पका ली हैं, तो 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें नमक ऐड कर देना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर दीजिएगा, और ये देखिए कलर आ गया ना, डार्क सा कलर आ चुका है आप देख सकते हैं। तो मसाले अच्छी तरह प्रिपेयर होने चाहिए, इन मसालों को भूनने में लगभग 12-13 मिनट लगे हैं, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं बट लगे। लगभग 700 से 800 ml पानी डाल दिया, मैं थोड़ा गाढ़ा बना रहा हूँ, आप पतला बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जब बॉईल होने लगे तब इसमें हम मैंने क्रीम ऐड की है, फ्रेश क्रीम लगभग 50 ग्राम की जितनी, आप घर की मलाई उसको थोड़ा फेंट के तब ऐड कर सकते हैं, और इसे आपको बॉईल होने देना है। देखिए इसकी रंगत चेंज हो गई एकदम मलाई डालने के बाद, ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉईल होने देना है, मतलब अच्छा खासा बॉईल होने लगे तब आप में इसमें आपने अंडे डाल देने हैं, मतलब हमने जो किए थे वो अंडे डाल देने हैं, ठीक है। अच्छी तरह मिला लीजिएगा, देखिए अब तो सब कुछ पका हुआ है लेकिन फिर भी हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे ताकि अंडे में फ्लेवर आ जाए, वैसे तो जाता नहीं अंदर तक लेकिन ये बोलने वाली बात है। 5 मिनट के बाद ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और हमारा जो अंडा कड़ी है, जो एग कड़ी है, वो बनके तैयार हो चुका है और इसे आप परोस सकते हैं। मैंने राइस के साथ ठूसा है, बहुत लजीज लगता है राइस के साथ, मतलब देखिए अभी भी मुँह में पानी आ रहा है मेरे। तो आप राइस के साथ खाइए, किसी चीज़ के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमाने का मौका दो कम से कम मुझे। मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती क्या तुम्हें, है इसको देखो ये ठूसता ही रहेगा, कल फिर मिलता हूँ, इसको छोड़िए।